छोटा सा सवाल और संजय सर और माधुरी मैम आप दोनों से, आपने बहुत सारी आप दोनों ने साथ में फिल्में की, बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी, कैसा रहा इतने साल बाद दोबारा साथ में काम करना, कुछ अगर शेयर कर पाए दोनों? जैसे मैंने ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि बहुत अच्छा लगा और बहुत समय के बाद मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और यही कोशिश करूँगा कि ज़्यादा काम हो और क्या। करण, करण टुवर्ड्स योर लेफ्ट, towards your left. क्योंकि आई थिंक हम कितने 20+ years के बाद काम कर रहे हैं साथ में और हाल ही में मैंने अनिल जी के साथ भी बहुत सालों बाद काम किया था, सो इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू वर्क विद यू नो co-actors यू वर्क विद बिफोर, और इसमें भी वैसा ही, लेकिन आई थिंक इट्स बिन वंडरफुल। जैसे मैंने ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि बहुत अच्छा लगा और बहुत समय के बाद मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और यही कोशिश करूँगा कि ज़्यादा काम हो और क्या। करण, करण टुवर्ड्स योर लेफ्ट, towards your left. क्योंकि आई थिंक हम कितने 20+ years के बाद काम कर रहे हैं साथ में और हाल ही में मैंने अनिल जी के साथ भी बहुत सालों बाद काम किया था, सो इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू वर्क विद यू नो co-actors यू वर्क विद बिफोर, और इसमें भी वैसा ही, लेकिन आई थिंक इट्स बिन वंडरफुल। एक्चुअली मेरे पास भी एक सवाल है, क्योंकि जब सेट पे थे तो संजू सर माधुरी मैम, मतलब मैं ऑब्वियसली मैम ही बुलाऊंगा, बट ये भी मैम ही बुलाते थे तो मैं थोड़ा तो तुम भी सीखो, तुम भी मुझे मैम बुलाओ। मैं तो करण, मैं तो आपको माँ बुलाता हूँ। करण टुवर्ड्स योर लेफ्ट, करण सर, ओ भैया कलंक आपके फादर का सपना था और वो उनके दिल से काफ़ी ज़्यादा करीब था, तो अब आपको जब कलंक फाइनली रिलीज हो रही है और ट्रेलर इतना बेहतरीन है, तो आपको उन पलों की कुछ, टीज़र इतना बेहतरीन है तो आपको उन पलों की कुछ याद आती है जब आपने, आपके डैड ने आपको ये स्टोरी सुनाई थी, अगर आप कुछ बता पाए तो। एक्चुअली कहानी ये, जैसे कि मैंने कहा है कि 2003 में जब कल होना हो रिलीज़ हो रही थी, तो उसके बिल्कुल 2 महीने बाद इस कहानी का जो जर्म था, जो आइडिया थी, वो मेरे जहन में आ गई थी। उसके बाद मैंने पापा के साथ बहुत शेयर किया, क्योंकि जिस जो एटमॉस्फेयर है फिल्म का, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, फिल्म जो एटमॉस्फेयर थी वो पापा को उसकी बहुत नॉलेज थी, तो वो खुद गए थे कुछ एरियाज़ में रिसर्च करने, और वो बीमार भी थे, ही वॉजन वेरी वेल, लेकिन उनका पैशन, वो पहले करियर में फोटोग्राफर हुआ करते थे, तो ही वेंट एंड टुक सम अमेजिंग फोटोज़ ऑफ सर्टन लोकेशंस दैट ही थॉट दैट वी कुड हैव इन आर फिल्म। वो तस्वीरें अभी भी मेरे पास है, हमने आर्काइव किए थे, और फिर जब जून 2004 में वो चल बसे, उसके बाद ऐसा हो गया था कि इतनी सारी यादें जुड़ी थी उस कहानी के साथ, तो मैं बना नहीं पाया, मुझसे हुआ नहीं। मैंने ऑलरेडी फिल्म एक्चुअली प्लान कर ली थी, मैं शूटिंग करने जा रहा था एंड ऑफ द ईयर, लेकिन उसके बाद मुझसे हुआ नहीं, बहुत साल गुजर गए उसके बाद। और फिर कभी कभी मैं ये कहानी सबके साथ शेयर किया करता था, आई थिंक धर्मा प्रोडक्शंस में जो भी मुझसे करीब है वो सब जानते कि कलंक की कहानी क्या है, और एक दिन मैंने अभिषेक वर्मन को वो कहानी बताई और उन्हें बहुत पसंद आया, एंड आई जस्ट फेल्ट दैट ही वुड, द फिल्म वुड बी इन द राइट हैंड्स विद हिम, तो उन्होंने डेवलप किया। और आज जब मैं ये पिक्चर देखता हूँ, मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर बहुत सारी फिल्में बनती हैं कंपनी में, हर फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन ये मेरे लिए एक, मैं कहूँगा स्पेशल से ज़्यादा इमोशनल है, एंड आई वुड से दैट दिस फिल्म, और मैं ये नहीं कह रहा कि कल जाके इस फिल्म के साथ, आई ओनली होप द बेस्ट फॉर इट, लेकिन फॉर मी इट्स बियॉन्ड दिस बॉक्स ऑफिस एंड बियॉन्ड व्हाट आई थिंक द इवेंचुअलिटी द फिल्म विल बी, बिकॉज द फैक्ट दैट ये मेरे पिताजी का ये एक सपना था जो पूरा हो गया आज, एंड आई थिंक दैट मींस द वर्ल्ड टू मी। करण सर, करण सर ऑन योर लेफ्ट, स्लाइटली ऑन लेफ्ट, दिस इज सिमरन सिंह, ऑन योर लेफ्ट, on your left. So first of all, congratulations to you and the team. The teaser is fantastic. My question to you is, in the teaser we saw that the during the titles all the female leads name were first and then there was the male cast name. So was that a conscious decision? My dear, you and I were brought into this universe by women. And I've been raised by a group of strong women. And these three wonderful women are the heart, soul and spine of Kalank. There is no way in hell that the men could ever match up to their prowess, their beauty and their intellect. And that is the reason why they stand tall and proud and first in the series of events. Wow. Hello. So, I'm waiting for the day that this question won't even pop up. It shouldn't be a surprise.
Good, very good. So, my question is from you and Aditya that usually there is a perception towards ensemble cast that everyone gets that role. Nahi milta. The story is centered towards primary characters. But what was the reason that you signed the film? Is it because that you thought that your character would be has a depth to it? What was the reason that you said yes to Kalank? I think you asked a question and answered it as well. Yes. Yeah, we did do it because there was actually depth to every character. And like I mentioned earlier, the script was something that blew me away, and Abhishek's vision, which was really clear. And then when you have a director that can put his message across to you about how he's seeing something and you feel safe and comfortable about that, I think everyone feels good in their place. All right, we have two questions. We have two more questions. I just have to say that it's this film, since you said ensemble, it's a true ensemble film. So that means every character is a primary character. Even if you see a monkey, he'll also be a primary character. There's no monkey, so yeah, but it's a true ensemble. There's a bull. There's a bull. Okay, yeah. Sorry. I'm just thinking if in case you see a monkey. Stop, a monkey Karan, stop confusing Karan, the audience. Yeah, the bull and... Karan, this is a film Karan, about these six people and their relationships and what they go through, what changes their lives. So I think everyone has a very, very important role to play within the film. Karan, Karan. We have last Karan, two questions, yeah, ladies Karan, and gentlemen. Towards your right, Karan. Karan. Ah, boliye, boliye, boliye. कैसे मैंने तैयार किया उनको देखिए मैं एक्चुअली डिजाइनर नहीं फिल्म मेकर हूं तो मैंने इनको बिल्कुल तैयार नहीं किया काफी तैयार होके खुद आए हैं ये और आई थिंक ये आर्टिस्ट हैं तो ये अपना रोल देख के और फिल्म देख के और फिल्म की इमोशनल और भावनाएं देख के वो फिल्म करते हैं तो इसलिए ऐसे ही कोई मुझे कोई ज्यादा मेहनत वरुण आलिया माधुरी संजय आदि सोनाक्षी उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और फिल्म किया है तो स्पेशल कोई मेहनत मैंने किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व नहीं किया सबसे ज्यादा मेहनत मुझे आई थिंक फॉक्स और साजिद के साथ लगा है भैया ये पिक्चर बनानी चाहिए इस बजट में या नहीं भैया आप ऐसे लग रहे हैं जैसे आपको बहुत मजा आया ये देख के ट्रेलर हां हां और ये गुफ्तगू भी करके इनके साथ और भी मजा आया आपको करण हिल उठे बिंग द ऑपरेटिव हां जी ए वन लास्ट क्वेश्चन करण 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 यस यस सर यू हैव अ क्वेश्चन फॉर संजू करण आई हैव वन क्वेश्चन फॉर आलिया एंड वरुण हेलो सो आलिया वरुण वी हैव सीन यू इन हमटी बद्री एंड स्टूडेंट ऑल अर्बन फिल्म्स या So how are Humpty and Badri urban films? But it's quite different from yes, this Kalank. Yes, that way, not a period. Yeah. Sanjay ji. So how was working with this film together, you and Varun? And Karan, you also tell us ki kitna difference hua in mein, student to Kalank, just. I think bache bade ho gaye. And please, Alia, I think this film ke dauran main keh sakta hoon ki wo bache the. 2012 में जब उन्होंने स्टूडेंट के किरदार निभाए थे और आज अभी मुझे लगता है कि बड़े हो गए आपने अगर विजुअल्स देखे होंगे तो ऐसा लगता है कि सब बड़े हो गए बट वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री फिल्म्स और दिस सम थिंग्स डोंट चेंज बट वरुण सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगा है स्पेशली हालांकि शुरुआत में हमारे बीच कुछ लड़ाई हो रही थी सच बात ये शुरुआत में बहुत लड़ाई हुई थी क्योंकि टेल प्लीज टेल देम द रीजन व्हाई लड़ाई हुई नो रीजन आई विल टेल यू व्हेन इट बिकम फाइन व्हेन आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग नो वे नॉट व्हेन यू फेल डाउन पहले तो आलिया जब सेट पे आई तो बहुत मतलब एटीट्यूड से बिहेव कर रही थी मेरे साथ तो मैंने पूछा अरे ऐसा क्या हो गया तुम्हें ऐसा क्या दो तीन बड़े फिल्में साइन कर लिए तो क्या कुछ हवा लग गई है तो शी सेड नहीं 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 आई मीन माई कैरेक्टर एंड ऑल तो शी वॉज दिस कॉन्वर्सेशन नेवर हैपेंड तो एक दिन मैं थोड़ा सा लेट आया था और लेट का मतलब है मैं 20 मिनट लेट आया था 20 मिनट दैट्स इट एंड आई अपोलोजाइज टू हर पीपल एवरीवन बट आलिया वॉज नॉट टॉकिंग टू मी और फिर उनको एक कैरेज पे चढ़ना था और मुझे पता था कि ये गिरेगी ही गिरेगी और गिर के जाएगी किधर मुझे ही पकड़ना है तो जब वो गिरी और मैंने पकड़ा अभिषेक को सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया बट फिर तब आलिया हसी एंड देन वी बिकेम फ्रेंड्स या नो बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स लवली आई लव वर्किंग विद हिम एंड ही इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई हैव टू से ही इज फैंटास्टिक इन द फिल्म इन माय आईज Karan Justin here from PTI. That's the last question, ladies and gentlemen. Karan Justin here from PTI. Karan Justin here from PTI. आपके left में संजय जी यहाँ पर. बोलिए. Let him question. आप बोलिए. संजय जी सवाल ये है. बोलिए. सवाल ये है संजय जी कि आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा कलंक जिसे आप हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं? आप. Done.
अरे भैया मैं जेल गया हूँ, वो कलंक वो अभी मिट गया लगता है. Kalank, Justin, thank you, and thank you on that glorious note. We'd like to thank. Thank you, guys. If we request everyone to take the photographs, if you have, is it photo? And thank you very much for being here, ladies and gentlemen. Thank you.